भिक्षाम देही। प्रणाम साईं। राम जी भला करे, पर आज अनाज नहीं। अगर आपके पास कुछ पुराने कपड़े हों जो उपयोग में ना आ रहे हो तो वो दे दीजिए। ठीक है साईं, देखते हो। राम जी भला करे। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। और कितनी देर लगाएगा अपने लिए एक फल चुनने के लिए? देख, हमने अपने लिए संतरे ले भी लिए जल्दी से। मुझे अंगूर चाहिए। दे भाई, जल्दी दे। जल्दी चलो, कहीं द्वारका माई में भीड़ ना हो जाए। साई, ये सब किस लिए? इनसे मैं गुदड़ी बनाऊंगा। अच्छा, क्या हम भी देख सकते हैं? सिर्फ देखोगे ही या मेरी मदद भी करोगे? बैठ जाओ। प्रणाम साई। राम जी भला करें। आपके बारे में बहुत सुना है, बड़ी दूर से आए हैं हम मन्नत लेके। हमारे बेटे पूरब के लिए आपकी मदद चाहिए। कैसे हो पूरब? थोड़ा संकोची है। बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ है ये साईं। उस समय हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। गांव में मिठाइयां बांटी, जश्न मनाए। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, हमने ये महसूस किया कि ये और बच्चों की तरह नहीं है। ना ही वैसी सतर्कता है और ना ही वैसी जागरूकता। बैठने, खड़े होने, यहाँ तक कि बोलने में भी इसने और बच्चों से ज्यादा समय लिया। और लगभग 3 साल के बाद तो इसने बोलना शुरू किया। लेकिन असली मुश्किल तो अब हो रही है, जब से ये पाठशाला जाने लगा है। तब हमें एहसास हुआ कि इसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है और सीखने की गति भी धीमी है। अक्सर इसकी शिकायतें करते रहते हैं इसके अध्यापक। साई, हमारी मदद कीजिए। हम यहाँ बहुत उम्मीद लेके आए हैं आपके पास। इलाज तो होगा, जरूर होगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ सूखे पत्तों की जरूरत है। आप लोगों को सूखे पत्तों का ढेर ढूंढकर मुझसे कुछ सूखे पत्ते लाने हैं। पर हां, एक बात याद रहे, वो पत्ते पूरी तरह से बेकार होने चाहिए। किसी इंसान, किसी पशु पक्षी के काम ना आ रहे हो।
सूखे पत्तों से इलाज? साई के बारे में यही तो सुना है कि इनके इलाज करने का तरीका अनोखा होता है लेकिन असरदार होता है। चलो हम जल्दी से सूखे पत्तों को लेकर आते हैं। पूरब बेटा, आई बाबा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम यही साई के साथ रहना। नहीं आई, मुझे भी आपके साथ जाना है। बेटा बाहर बहुत ज्यादा धूप है, हम जल्दी लौट आएंगे। घबरा मत पूरब, हम लोग हैं ना तेरे साथ, यहीं रुको, बड़ा मजा आएगा। वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम् कृष्ण, त्वहम् शरणम् गते। तुम्हें अपने हाथ के रक्त को इस अग्नि में अर्पित करना होगा। अगर तुम मुझे आज ही नहीं बना सकती, मेरी कुल की वृद्धि करने वाली संतान मुझे नहीं दे सकती, तो कोई बात नहीं, मुझे मजबूरन मेरे बेटे के लिए दूसरी लड़की ढूंढनी होगी। चंपा को इतना सब बोल तो दिया, लेकिन क्या ये सही रहेगा? लोग क्या कहेंगे? पर क्या सच में मैं उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती हूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आई ऐसा भी कह सकती है, और ये तब जब मैं उनकी हर बात मानती आई हूं। ऐसा करता क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें खानदान का चिराग नहीं दिया? क्या इस घर में मेरा अस्तित्व सिर्फ इतना ही है? मुझे चंपा से बात करनी चाहिए, वो भी शांत मन से, ठंडे दिमाग से। तुम पर जो बीत रही है उसका अंदाजा है मुझे। लेकिन तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और आई के बोलने से क्या होता है? अंतिम निर्णय तो मेरा है। और तुमने सुना ना मैंने आई से क्या कहा? और हाँ, अब से कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आई के बताए हुए किसी भी उपाय को करने की। जैसा साई ने कहा है, हम उस आम के पेड़ को पानी देंगे और श्रद्धा रखेंगे। अब जल्दी से मेरे लिए कुछ खाना बनाओ, भूख लगी है। चोरू का गुलाम बन गया तेरा बेटा, अभी कुछ नहीं हो सकता, वो दोनों तेरी एक बात भी नहीं सुनेंगे। एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर चल मेरे साथ। क्यों? मैं क्यों जाऊंगी बोरिया बिस्तरा बांध के? ये मेरा घर है। लेकिन कब तक? जिस तरह तेरा बेटा तेरा आंचल छोड़ के बीवी के पल्लू से बंधा है, उसका पक्ष लेता है, उसे देखकर नहीं लगता कि तू इस घर में ज्यादा दिन की मेहमान है? तेरे बेटे को वश में कर लिया है उसने, जल्दी ही तुझे इस घर से बाहर का रास्ता दिखा देगी, तो उसे रोकेगा कौन? वैसे जीजाजी तो हमेशा घर से बाहर रहते हैं, तो तेरा पक्ष लेने वाला इस घर में है ये कौन? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर चंपा सोचती है
कि वो अपने घड़ियाली आंसुओं से मेरे बेटे को फंसा लेगी, अपने पक्ष में कर लेगी, तो ये उसकी गलतफहमी है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो किसके विरुद्ध जाने की कोशिश कर रही है। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि खून के रिश्ते से बड़ा और कुछ नहीं होता। लेकिन तुम करोगी क्या? वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वादा करती हूं आज रात होने से पहले चंपा को इस घर से जाना होगा। ए भैरो, बाहर निकल। भैरो बाहर निकल। भैरो बाहर आ। ए भैरो, चल बाहर निकल। भैरो, ए भैरो बाहर निकल। इस पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु की अपनी उपयोगिता है। यहां तक कि बेकार सी दिखने वाली वस्तु को भी उसके स्वरूप में परिवर्तन करके काम में लाया जा सकता है। देखो इन फटे पुराने कपड़ों को, इनके स्वरूप में परिवर्तन करके मैं गुदड़ी बना रहा हूं। हमें सूखे पत्तों का ढेर कहाँ मिलेगा? अगर साईं ने हमें सिर्फ सूखे पत्ते लाने के लिए कहा होता तो अब तक हम उसे चुनकर जमा भी कर लेते। क्या? वो देखो, यहाँ आओ ना। वहां अकेले क्यों बैठे हो? हमारे साथ बैठो। पूरा, वहां उस टोकरी में रुई रखी है, जरा ले तो आओ। चिंदी निकाल लाओ। पूरब, उस टोकरी में से काला धागा ले आओ।
शुक्रिया। इससे पहले कि हवाएं जल्दी से पत्ते उठा लेते हैं। रुको, ये पत्ते मैंने जमा किए हैं खाद बनाने के लिए। माफ करना भाऊ, हमें पता नहीं था। कोई बात नहीं। साईं ने हमें उन पत्तों को लाने के लिए कहा है जो किसी के इस्तेमाल में ना हो, यानी बेकार हो। लेकिन किसे पता था कि सूखे पत्ते ढूंढ करके ले जाना इतना मुश्किल भरा काम होगा। मुझे तो लगा था कि सूखे पत्ते कहीं भी मिलेंगे, वो तो बेकार ही होते हैं। लेकिन अब मैं पूरब के इलाज के लिए पत्ते ढूंढ के ही रहूंगी। चलो चल चल, पहले केस निकाल। लेकिन अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। एक साल से अधिक हो गया सरकार के साथ काम करते हुए, और अभी तक जान नहीं पाया कि जब कोई सरकार से ऋण लेता है तो उसकी अदायगी के नियम सरकार तय करते हैं, कर्जदार नहीं। सरकार ने पहली किस्त मांगी है अभी। अगर तेरे बाबा यहाँ पे होते तो इन्हें पैसे दे सकते थे। अब अचानक पैसे कहाँ से दें? ये तो तुम्हारी समस्या है, हमें तो पैसे चाहिए पैसे। और अगर पैसे नहीं दे सकते तो किस्त के बराबर कोई भी सामान दे दो। इस बार हम दया कर देते हैं। और अगर हमें पैसे नहीं दिए तो घर का एक भी सामान सलामत नहीं रहेगा। हे खंडोबा, अब क्या करें? अरे एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? पैसे निकालो पैसे। मैं अपना सब कुछ बेचकर आप लोग को आपका मेहमताना दे दूंगा। कृपा करके मेरी बात सुनिए। अब सबने मेरे पति के साथ लंबे समय तक काम किया है। अब सबने देखा होगा कि कैसे मेरे पति ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना लड़ाई झगड़ा किए पैसे वसूले हैं। ऐसे मार पीट करके, तोड़ फोड़ करके क्या होगा? सरकार को पैसों से मतलब है, ना कि मार पीट से। इसलिए आप हमें शाम तक का समय दीजिए ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सके। हमें सरकार ने पैसे लाने के लिए भेजा है, इंतजार करने के लिए नहीं। देखिए, अगर आप हमें शाम तक का समय देंगे तो हम ब्याज के साथ साथ मूल राशि का आंशिक भुगतान भी कर देंगे। सोच लीजिए, सरकार को ज्यादा खुशी किससे मिलेगी, पैसों से या मारपीट करके? इसकी बात में दम है। सरकार ने कहा था कि खाली हाथ मत आना। अगर हम बिना मारपीट किए पैसा वसूल करते हैं तो सरकार हम पे बहुत खुश होगी। ठीक है ठीक है, हम शाम को आएंगे। लेकिन हमें शाम को पैसे नहीं मिले तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए पंता जी। चलिए अंता जी। ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या जरूरत थी अपना बड़ा मुंह खोलने की? क्या मैं मर गई थी? और ये बता मुझे, तू ये पैसे कहां से आएंगे? और वो भी केवल सूद नहीं, मूल भी। आई, पैसे आ जाएंगे, मैं अपने गहने बेच दूंगी। तुम ये क्या कह रही हो, अपने गहने?
मेरे पास जो गहने हैं वो मुझे इस घर से तो मिले हैं। इस घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर मुझे वो गहने बेचने भी पड़े तो ऐसा करके मुझे खुशी होगी। वैसे भी हम सोने चांदी में निवेश इसलिए करते हैं ताकि जरूरत के समय काम आए। इससे ज्यादा जरूरत कब होगी? चंपा, सच में तुम बहुत समझदार हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो अपने गहने कभी नहीं देती। हम जिस परेशानी में उलझे हुए थे तुमने तो बड़ी आसानी से उसे सुलझा दिया। ठीक है, मैं जौहरी को लेकर आती हूँ जिससे बरसों से लेन देन है। जेवरात उसी ने बनाए हैं तो अच्छे दाम देगा ना, है ना? मैं जाती हूँ। साई, मैं ये कपड़ा, रुई और ये धागा ले लूं? हाँ पूरा, क्यों नहीं? चंपा, ले बेटी, तिजोरी में से हार लिया। ये लीजिए। अरे अच्छे से देख तो लीजिए, ये तो जरूरत पड़ी इसलिए बेच रहे हैं। और आपकी मेहरबानी है, आप ये हार फिर से खरीदने को तैयार हो गए। कमला ताई, बरसों की पहचान है आपसे, और जैसे आपका भरोसा है मुझ पर वैसे मेरा भी भरोसा है आप पर। और अपने ही बनाए जेवरों को क्या परखना। फिर भी ताई, पुरानी ग्राहक है आप मेरी, और अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूं, समय मिलने पर मैं दुकान में परख लूंगा। ये रहे 50 रुपए। अच्छा ताई, मैं चलता हूं। भैरू, इधर आ बेटा, ले ले बेटा, सरकार को देख क्या। हाँ जी। अच्छा, मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कभी, जो मुझे तुम मिली। आता हो। देखा कमला? तुम क्या बना रहे हो पूरा? उसे बनाने तो पूरी।
क्या ये पत्ते आपके किसी काम के हैं? हाँ, ये हमारी रोजी रोटी है। इन्हीं पत्तों से हम पत्तल बनाकर इससे पैसे कमाते हैं और भोज में, त्योहारों में, शादी ब्याह के अवसरों पर इन्हीं पत्तों से बने पत्तल पर लोग खाना खाते हैं। लेकिन आप हमें ये टूटे हुए पत्ते तो दे सकती है ना? नहीं, ये भी नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हम अपना चूल्हा जलाते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि सूखे पत्ते भी इतने काम के होते हैं। क्या आप हमें इनमें से कुछ पत्ते बेच सकती हैं? वैसे भी आप इन पत्तों से पत्तल बनाकर पैसे ही कमाने वाली है। पत्तल के भाव में हम ये पत्ते खरीद लेंगे, आपकी मेहनत भी बच जाएगी, आपको पैसे भी मिल जाएंगे। माफ कीजिए वहिनी, कोई और दिन होता तो दे भी देते, लेकिन आज मारुति मंदिर में विशेष आरती है और ये पत्तल हमें वहाँ देना है। और बात पैसों की नहीं है, जुबान की है। हम उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते, और मंदिरों से ही हमें रोज नियमित काम मिलता है ना। फिर अगर हम ये आपको दे देंगे तो उधर हमें मुसीबत हो जाएगी। कहीं भी सूखे पत्तों का ढेर नहीं दिख रहा है। ये लो, संतरा खा लो। तो ये तो बहुत खट्टे हैं। सच में बहुत खट्टा है। रुको, मकड़ी का जाला टूट जाएगा। याद है ना साई ने क्या कहा था? वो पत्ते पूरी तरह से बेकार होने चाहिए, किसी इंसान किसी पशु पक्षी के काम ना आ रहे हो। चलिए कहीं और ढूंढते। हाँ हाँ ताई, समाज में आपकी इज्जत रही होगी, लेकिन आज उसी समाज के लोगों को पता चलेगा कि कमला ताई चोर है। चोर सर जी। अरे ऐसे चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। विश्वास नहीं होता तो ये लो हार, और किसी भी जौहरी से इसकी जांच करा लो, कोई एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा इसकी। अरे मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब तुम्हारी आई बार बार बोल रही थी कि इसकी अच्छी तरह जांच कर लीजिए, लेकिन मैंने भरोसा दिखाया। तुम्हारी आई को अच्छी तरह पता था कि उनके सामने मैं इसकी जांच नहीं करूंगा, और इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया। आजकल के अच्छे घर के लोग भी धोखाधड़ी करने लगे हैं, और तुमने सही कहा था, मेरी आई चोरी नहीं कर सकती। तुम्हारी आई ने दिन दहाड़े लूट मचा रखी है, लूट। सेठ जी अपने शब्द वापस ले लो, वरना। ले लूंगा मैं अपने शब्द वापस, पहले मेरे पैसे दे दो, क्योंकि जो नकली हार इन्होंने मुझे बेचा था वो मैंने तुम्हें वापस दे दिया है। पैसे?
पैसे तो हमने सरकार को दे दिए। वो मैं कुछ नहीं जानता ताई, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। या तो मेरे पैसे दीजिए या फिर वो असली हार मुझे दीजिए जिसकी मैंने आपको कीमत चुकाई है। असली हार? अरे वो हार तो चंपा ने आपको दिया है। अरे ताई, चंपा ने मुझे जो हार दिया है वो नकली है। आप मेरे पैसे वापस कीजिए, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। बुलाइए, हम नहीं डरते। आप मेरे पैसे वापस कीजिए, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। बुलाइए, हम नहीं डरते। ये क्या कह रही हो बहू? आई मैं सच कह रही हूँ, अगर हम गलत नहीं है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमें साई ने सिखाया है। हाँ आई, चंपा बिल्कुल सही कह रही है। नहीं नहीं, पुलिस घर में आएगी तो हमारी बदनामी होगी। पुलिस का नाम सुन के कैसे डर लगा आपको? इसका मतलब ताई आपने झूठ बोला है, हार आप ही ने बदला है। मैं कह रही हूँ ना, हमने हार नहीं बदला है। और अगर आपको हमने नकली हार दिया है तो फिर असली हार हमारे पास होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, ले लीजिए, आप ले लीजिए घर की तलाशी, आपके दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। जाइए। तलाशी तो मैं लेकर रहूंगा। ये क्या है कमला ताई, क्या है ये? मेरा शक गलत नहीं था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, आ गया ना सच बाहर। ये देखो अब क्यों सांप सुन गया। माँ बेटा बहू सबकी मिली भगत है, पूरा का पूरा परिवार फरेबी है। बहुत थक गए हैं जी,
मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे सूखे पत्ते मिलेंगे जो किसी के काम के ना हो। मेरी मानिए तो लौट चलिए। साई से हम सच कह देंगे कि हमें सूखे पत्ते नहीं मिले, शायद वो कोई और रास्ता बताएं। ठीक है चलो। चंपा, वो हार तुम्हारी अलमारी में कैसे आया? मुझे क्या पता कि कैसे आया, मैं नहीं जानती। अरे तेरे कपड़ों में मिला वो हार, और किसे पता होगा कहां से आया वो हार? तुम्हारा मन नहीं था तो नहीं देती, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से कमला का कितना अपमान हुआ तुझे पता है? अगर वो जौहरी पुलिस को लेकर आता तो क्या होता? मौसी जी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अगर मुझे हार छुपाना होता तो मैं जेवर बेचने का प्रस्ताव क्यों रखती? ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा? लेकिन हार तो तुम्हारे कपड़ों में मिला ना। मैं बताती हूँ क्या मिलेगा। उस दिन कमला ने तुझे कहा था ना कि मैं नई बहू लेकर आऊंगी, तब तूने सोचा कि इससे पहले कि मेरी सास मुझे घर से बाहर निकाल दे, मैं अपनी ही सास को हीरा फेरी के इल्जाम में फंसाकर जेल भेज दूं। तब भी मैं सोचूं, तू इतने आसानी से पुलिस को बुलाने के लिए क्यों कह रही थी? जब तक कि जौहरी पुलिस को लेकर आता, पुलिस आने से पहले वो हार कमला के कमरे में या कपड़ों में ऐसे छुपाती, तलाशी के बाद पुलिस कमला को पकड़ के जेल ले जाती, है ना? मौसी जी ये झूठ है। तो सच क्या है? आई जो कह रही है वो गलत है, मौसी जी जो कह रही है वो गलत है, तो ये क्यों नहीं बताती वो असली हार तुम्हारे कपड़ों में क्या कर रहा था? ये लीजिए कमला ताई, आपका असली हार, इसे ले जाकर छुपा दीजिएगा और थोड़ी देर में मैं ये नकली हार लेकर आऊंगा। ये लीजिए आप अपना मेहनताना। धन्यवाद। और हाँ, जब आप घर पे आइएगा बेझिझक होकर मुझ पर लांछन लगाइएगा। अब शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि मेरे बेटे के सब्र का बांध टूट जाए, फिर मेरा काम हो जाएगा, मेरे बेटे की दूसरी शादी के रास्ते खुल जाएंगे। और हाँ, इस बार पहले से भी ज्यादा गहने बनवाऊंगी मैं आपसे। धन्यवाद ताई, धन्यवाद। चलती हूँ। साई, बहुत थकार के लौटे। अंगूर मीठे हैं, सूखे पत्ते मिले। आज हमें पता चला साई कि सूखे पत्ते बेकार नहीं होते, बहुत काम के होते। माफ कीजिएगा साई, आपने जो कहा था हम वो कर नहीं पाए, लेकिन आपसे विनती है कि आप हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए, हमारी मदद कीजिए साई। पर आपको मदद की जरूरत क्यों है? साई, मदद की जरूरत अपने बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए है। दुनिया में उसी का महत्व है जो किसी के काम आए, जिससे किसी को लाभ नहीं उसकी कोई अहमियत नहीं है। कोई अहमियत नहीं? अहमियत तो आप लोगों के लिए सूखे पत्तों की भी नहीं थी, यही सोच रहे थे ना। पर क्या आप सूखे पत्ते ला पाए? हमारे लिए वही सच्चाई क्यों होती है जिस पर हम यकीन करते हैं?
कभी सोचकर देखिए, इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या है, हम कौन है, और हम हर बात को समझ सकें, हर भेद को जान सकें, यह तो असंभव है। आप यहां से यह सोचकर गए थे कि आप सूखे पत्ते लाएंगे, क्या सोचा था आपने? और जब आप लौटे हैं तो आपकी सोच ही बदल गई है। अगर आप अपने बेटे की काबिलियत को नहीं समझ पाते तो यह आपकी सोच, आपके विचार, आपके अनुभवों की संकीर्णता है। बहू, तुझे अगर हार नहीं देना था तो मुझे कह दिया होता, मैं अपने गहने दे देती, कम से कम मुझे इतना सुनना तो नहीं पड़ता। और तुझे कौन सा डर था? फेरू ने तो मना कर ही दिया था ना दूसरी शादी के लिए, फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया चंपा? आई आई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं कैसे कर सकती हूँ जबकि चाबी। आई आई, तिजोरी की चाबी तो आपके पास होती है, और जोरी के आने पर भी आपने सबके सामने मुझे चाबी दी थी। उतने ही समय में मैं असली हार निकाल कर नकली हार बनवा कैसे सकती हूँ? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। आई, आपने आज तक चाबी कभी मुझे नहीं दी, ना कभी चाबी के गुच्छे को खुद से अलग किया। मैं जो गहने पहनती हूँ वो भी आप मुझे निकाल के देती है, फिर हार की अदला बदली मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे क्या पता तूने कब किया, शायद तूने ये नकली हार पहले से ही बनवा लिया होगा, और जब जोरी आया तिजोरी में से असली हार निकाल के हमें नकली हार दे दिया होगा। हाँ, तूने उसी वक्त उसी समय हार बदल दिया होगा, तूने तो लाके दिया था हमें हार। आई, ये सब आपका किया धरा है। हार की अदला बदली आपने की ताकि इल्जाम मुझ पर आए। चंपा, क्या इस तरह बात करते अपने सासू माँ से? तुझे शर्म नहीं आती एक बहू होके अपनी सासू माँ पे इल्जाम लगा रही है? कमला, हर बच्चा ईश्वर की खास रचना है, अपने आप में परिपूर्ण है, सबकी अपनी खासियत होती है। आपने ये तो देखा कि पूरब थोड़ा धीमी गति से काम करता है, पर आप ये नहीं देख पाए कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे आप ये नहीं देख पाए कि वो एक बहुत अच्छा अनुयायी है, उसमें सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा है, कोई भी काम केवल देखकर सीख सकता है वो, और वो जो भी काम करता है पूरी सटीकता के साथ करता है, गलतियां करने से बचता है, और अगर वो केवल लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है, अपनी गति से चल रहा है, तो इसके लिए हम परेशान क्यों हों? हमने कभी पूरब को ऐसे कोई काम करते नहीं देखा। सही, सटीकता तो छोड़िए, बल्कि ये कोई काम ढंग से करता ही नहीं। हो सकता है आप उसकी सटीकता देख ही ना पाए हो, और इसका कारण ये है क्योंकि आपका ध्यान तो उसकी गति पर ही था बस। आप दोनों तो पूरी तरह से ठीक हैं, आपकी गति भी ठीक है, आप सक्षम भी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोग वो हर काम करने में सक्षम हैं जो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति कर सकता है। तो फिर आप लोग इतना छोटा सा काम
कुछ सूखे पत्ते क्यों नहीं ला पाए? और आपका बेटा जिसे आप धीमा, बेकार, अयोग्य समझते हैं, उसने सच में आज एक ऐसा काम किया है जो वाकई काबिले तारीफ है। पूरा जरा अपने आई बाबा को दिखाओ तो, क्या बनाया है तुमने? अरे कमला, रहने दे सरस्वती, रहने दे। जब अपना ही बेटा चुप होकर माँ की बेइज्जती का तमाशा देख रहा है, तू क्यों बोल रही है? रहने दे। अरे मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने ही घर में मुझे ये सब सुनना पड़ेगा। ए देवा, इस उम्र में मैं ये सब सुनूं उससे अच्छा है भगवान मुझे उठा ले, उठा ले भगवान मुझे, उठा ले। मुझे नहीं सुनना है ये सब मेरे घर में रहना। आई, मैंने कब आपकी बेइज्जती की? मैंने वो कहा जो सच है। चंपा, चुप, एकदम चुप। तुम्हारा साथ देने का वादा किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आई को कुछ भी बोलोगी और मैं सुनता रहूंगा। एक तो तुमने हार छुपाया, फिर उसका इल्जाम आई पर लगा रही हो। क्या जरूरत थी ये करने की? एक बार भी सोचा नहीं कि अगर पकड़ी गई तो क्या होगा? या फिर ये सब सोच समझ कर किया ताकि इल्जाम आई पर आए और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाए? मैं सच कह रही हूं, हार की अदला बदली आपकी आई ने। मैं अपने आई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मैं अपनी आई को तुमसे ज्यादा जानता हूं, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। माफी मांगो आई से। आई मुझसे बड़ी है, मेरे लिए पूजनीय है और हमेशा रहेंगी, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि साई ने हमेशा सिखाया है इस सत्य के साथ रहो। और अगर मैं सत्य के साथ हूं तो माफी किस बात की मांगू? और अगर मैं माफी मांगती भी हूं तो वो गलत होगा। मुझे तुम्हारी कोई दलील नहीं सुननी है, इससे माफी मांगो। नहीं, मैं उस गलती के लिए माफी नहीं मांगूंगी जो मैंने नहीं की है। मैंने कहा माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो फिर निकल जाओ यहां से। क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हें मेरी भावनाओं की कद्र नहीं है, मेरी आई के लिए तुम्हारे दिल में इज्जत नहीं है, तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ इस घर से। और कहां जाऊं मैं? अपने घर। लेकिन मेरा घर तो ये है। था, अब नहीं। निकल जाओ हमारी जिंदगी से।
साई, क्या सच में मेरे बेटे नहीं बनाया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। साई, मुझे यकीन है जब हम यहाँ से चले गए थे तब आपने इसे ठीक करने के लिए जरूर कुछ किया है। आपका बेटा पहले से ही काबिल था। ये अंगूर जिन्हें खाकर आप राहत महसूस कर रहे हैं, इनका चुनाव पूरब ने ही किया था। उसने थोड़ा समय लिया, आपकी तरह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया, पर अंतर साफ है। अंगूरों को खाकर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपके खरीदे हुए संतरे खट्टे निकल गए थे। बदलने की जरूरत पूरब को नहीं है, बदलने की जरूरत है आपको। आप दोनों को बदलने की जरूरत है, अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। पूरब को प्रोत्साहित कीजिए, उसका सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए उसका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो थोड़ा अतिरिक्त समय लेता है तो। जरूरी तो नहीं कि हर इंसान हर काम को एक ही गति से करे, पर हां ये जरूरी है कि इंसान जो भी करे मन से करे, दिल से करे, मेहनत से करे, पूरे चाव से करे काम को, तभी वो अपने जीवन में खुश रह सकता है, सुखी रह सकता है। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। माफ करना बेटा, तुम्हें समझ में बहुत देर हुई, हमने बहुत समय लिया। तू अपनी गति से चल, हम भी तेरे साथ चलेंगे। तुझे जिस काम से खुशी मिले तू वही कर, हाथ से हम तेरी तुलना किसी के साथ नहीं करेंगे। साई, आपके उपचार के तरीके वाकई अलग है। राम जी भला करें। मैं अपने आई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मैं अपनी आई को तुमसे ज्यादा जानता हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। मैंने कहा मांगो माफी आई से, नहीं तो फिर निकल जाओ यहाँ से। अरे चंपा कैसी हो आई? चंपा, अरे चंपा अचानक कैसे आना हुआ? पहले बता देती तो तेरी पसंद का खाना बनाकर रखती मैं। चंपा आज यहीं रुक जाना तुम, वैसे भी कई दिनों से तुमसे मिले नहीं हैं।
आज हम अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करेंगे। क्या हुआ चंपा? चंपा क्या हुआ? क्या हो गया चंपा? चल चल अंदर, चल चल अंदर, चल। आई पता नहीं सासू भाई को क्या हो गया है। उन्होंने हमेशा मेरे साथ बेटे की तरह व्यवहार किया। साई ने उन्हें कहा कि समय आने पर मैं माँ बन जाऊंगी, लेकिन अब उन्हें साई पर भी विश्वास नहीं रहा और अब उन्होंने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। वो मुझ पर शक कर रहे, मुझ पर। मत रो चंपा, मत रो बेटा। इतना कुछ हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। अरे बेटी दी है हमने उन्हें, बला नहीं डाली है। चंपा तू हमारी एक लौती बेटी है, जब तक हम जिंदा है हम तुझ पे आज भी आने नहीं देंगे। आओ हम अभी वहां जाएंगे, उनसे जाके बात करेंगे। चलिए। आज जाना उचित नहीं होगा, सब गुस्से में होंगे और गुस्से में बात बनती नहीं, बिगड़ जाती है। कल उन लोगों का गुस्सा शांत होगा तब जाएंगे और मिल बैठकर शांति से बात करेंगे। अब ठीक कह रहे हैं। चंपा तू बिल्कुल फिक्र मत कर, देखना सब ठीक हो जाएगा। हम सब तेरे साथ हैं। आई ये सब आपका किया धरा है। हार की अदला बदली आपने की ताकि इल्जाम मुझ पर आए। चंपा तुमने आई पर इल्जाम क्यों लगाया हार बदलने का? क्या मुझ पर भरोसा नहीं था? मैं तो तुम्हारे साथ था ना। मैं आपको दोष नहीं देती हूं। कौन है ऐसा जो अपनी मां पर भरोसा नहीं करेगा? अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी वही करती जो आपने किया। बस उम्मीद करती कि एक दिन आपको सच पता चल जाएगा। उम्मीद में बहुत ऊर्जा होती है, कुछ भी मुमकिन करने की शक्ति जैसी की प्रार्थना में होती है। पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। क्या बात है सखाराम जी, अभी तक फूलों की पूजा की सामग्री की दुकान नहीं लगाई आपने? साईं वो फूल वाला अभी तक फूल लेके आया नहीं है, उसी की राह देख देख के मैं बहुत देर से परेशान हूँ। रोज सुबह दुकान खुलने से पहले ही फूल दे जाता था। कुछ देर में भक्तों का आना शुरू हो जाएगा और कुछ एक भक्त ऐसे हैं जो मेरी दुकान से ही नियमित फूल लेते हैं। मेरे भरोसे वो अपने घर से फूल नहीं लेके आते हैं। आज यही सोच के परेशान हूँ साईं कि आज जब मुझसे वो फूल मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगा। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हैं आप? पूजा के लिए फूल मैं ला देता हूँ आपको लेंडी बाग से, पर हाँ उसके लिए पैसे चुकाने होंगे आपको।
जितने पैसे फूल वाले को देते हैं उतने पैसे मुझे दे दीजिएगा। साईं ने आज तक कभी पैसे नहीं मांगे और मदद करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, फिर आज क्यों? लेकिन ठीक है, मुझे तो वैसे भी पैसे देने ही पड़ते, हाँ कर देता हूं। ठीक है साईं, आप मुझे फूल दीजिए, बदले में मैं आपको पैसे दूंगा।